हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा। तो चलिए आज मैं आपको 2 रुपए की कॉफ़ी से आप अपने बालों को कैसे काला बना सकते हैं वो बताऊंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बाल बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस्तेमाल किया है और बाल में कितनी गजब की चमक आ रही है और बाल घने भी बहुत हो गए हैं। इसे आप रूट टचअप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे बालों में भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं कॉफ़ी से बनने वाली बहुत अच्छी रूट टचअप हेयर डाई। चलिए आप अपने बालों को झटपट कैसे काला बना सकते हैं वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप एक साफ बर्तन ले लीजिएगा। उसमें हमें लेना है, सबसे पहली चीज हम इसमें लेंगे काला कत्था। आप देखिए ये मैंने काला कत्था को पीस के रखा हुआ है, ये पाउडर फॉर्म में मैंने लिया है। तो इसमें लेंगे आप लगभग 1 चम्मच के करीब काला कत्था। काला कत्था बहुत ही जल्दी बालों को काला बनाता है, जड़ों से ही वर्क करना शुरू करता है। और ये रेमेडी ऐसे ही, इसे आप हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ लेंगे कॉफ़ी। 1 चम्मच हम इसमें कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी से क्या होता है, कॉफ़ी बालों को बहुत ही जल्दी कलर देने का काम करती है। और कॉफ़ी से क्या होता है, बालों में ना जो कलर आता है बहुत ही पक्का आता है। कॉफ़ी का कलर जल्दी से बालों से नहीं निकलता है, बहुत ही इंस्टेंट कलर देती है। और ये डाई ऐसी है कि इसे आपको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप झटपट बनाइए और झटपट लगा लीजिएगा, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमने 2 चीज़ें ली हैं, काला कत्था का पाउडर और कॉफ़ी। अब इसमें हम लेंगे, इसको घोलने के लिए मैंने बनाया हुआ है आंवला का सिरम। तो ये सिरम मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें मैंने लिया है आंवला और उसको अच्छे से पकाना है आपको, जब तक कि वो पूरा पानी जो है वो बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। ये सिरम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आप आंवला का इस्तेमाल अभी से शुरू कर देंगे तो ये आपके बालों पर बराबर कलर को बरकरार रखेगा, बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाल जैसे मौसम चेंज होता है उससे टूटेंगे झड़ेंगे नहीं। कलर के साथ साथ आपके साथ आपको अपने बालों को इस तरीके से भी ध्यान रखना चाहिए अपने बालों। तो आप इस तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिएगा और पेस्ट लगाने के इससे जैसे अच्छे से पेस्ट बन जाएगा उसके बाद आपको इसे अच्छे से ब्रश की सहायता से बालों में अप्लाई करना है क्योंकि कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली एंटीबैक्टीरियल होती है। ये जड़ों से ही बालों को काला बनाने का काम करती है क्योंकि इससे बालों का इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म होता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा होने के कारण ये आपकी जो जड़ें डेड हो गई हैं उन्हें रीजनरेट कर देती है और बहुत ही जल्दी वो सफ़ेद जो जड़ें हैं वो काले बाल उगाने शुरू कर देती हैं। तो इसके बाद आप हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें, हो सके तो नाई शैम्पू इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छी और असरदार तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बस इसे आपको बनाने के बाद अच्छे से ब्रश की सहायता से अपने बालों में अप्लाई करना है, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा कम से कम 1.5 से 1 घंटा। उसके बाद आपको कोई भी नॉर्मल शैम्पू से सिर को वॉश करना है, अगर ज़रूरी है तो, अगर नहीं है तो आप शैम्पू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद आप देखेंगे आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आएगा और गर्मियों का सीज़न है ये, गर्मियों में इसे लगाने से आपकी जो स्कैल्प है वो भी बिल्कुल साफ़ रहेगी। इसको हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों का पसीने की बहुत ज़्यादा आने की वजह से जल्दी से कलर निकल जाता है। तो इसे लगाने से उनका कलर जो बराबर मेंटेन रहेगा जड़ों में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर देगी क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें ली हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इसके लिए आपको सीरम हमेशा तैयार करके रखना पड़ेगा और गर्मियों में आप हफ्ते में 2 बार लगा लीजिएगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी डाई है, बहुत ही अच्छा रूट टचअप है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आपको कैसा लगता है इसका रिज़ल्ट वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसको कम से कम आपको मैं एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ, आप इसे कम से कम 1.5 से 1 घंटा ज़रूर बालों में लगा के रखें, इससे आपके बालों में अच्छे से कलर आ जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।